बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपनी अगली फिल्म छपाक की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म को मेघना गुलजार डायरेक्ट कर रही हैं, जिन्होंने 2018 में राजी जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया था। छपाक की कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के संघर्ष और अनुभवों पर आधारित है। दीपिका ने जब छपाक का फर्स्ट लुक जारी किया तो बॉलीवुड में सनसनी मच गई और सब ने उनके लुक की जमकर तारीफ करी। पोस्टर पर दीपिका का एसिड अटैक वाला चेहरा दिखाया गया है। छपाक में दीपिका के किरदार का नाम मालती है। लेकिन अब बात करते हैं इस फिल्म की असली हीरो लक्ष्मी अग्रवाल की। ये कहानी एक ऐसी मासूम लड़की की है जिसके साथ हुए एक बुरे हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आइए सुनते हैं एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी की दर्द भरी कहानी उन्हीं के सुबाली। मेरे साथ है एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल। लक्ष्मी हम सब के लिए एक मिसाल है। क्या वो दर्द था जिससे आप गुजरी, लेकिन आप तब भी स्ट्रांग रही और आज आप एक बहुत ही स्ट्रांग महिला, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हम सब के लिए। 2005 में मैं भी एकदम नॉर्मल लड़की थी और मेरे भी कुछ सपने थे, मैं भी अपने सपनों को जी रही थी। और उसके बाद मुझे नहीं पता था कि 2005 में मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। एक लड़का था जो कि 32 साल का था और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो जब मैंने मना किया तो उसने 10 महीने लगातार, अटैक से पहले 10 महीने लगातार मुझे परेशान किया उसने। बीच में माफी चाहूंगी, आपकी उम्र क्या थी उस? मैं 15 साल की थी उस टाइम। 15 साल की उम्र थी और 32 साल का। हाँ जी, तो लगातार वो मुझे परेशान कर रहा था। जैसे ही मुझे रास्ते में देख ले तो मुझे थप्पड़ मार देता था। स्कूल से मैं आती थी तो मुझे कहता था, क्या बात है, दिन के दिन बहुत सुंदर होती जा रही हो। उसको कुछ ना कुछ कहना ही होता था मुझसे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसने मुझे लगातार फॉलो किया। 19 अप्रैल को उसने 2005 में ही उसने मुझे मैसेज किया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। जब मैंने मना किया तो मैंने उस टाइम पे सॉरी कुछ नहीं कहा। अगेन उसका मैसेज आया कि मुझे अभी और इसी वक्त इसका जवाब चाहिए। अगेन मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। वो दोनों मैसेज लकली मेरे फ़ोन पे रह गए। फिर उसने मुझे 21 अप्रैल को कॉल किया। उसने कहा, तुम तो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हो ना, कुछ बनना चाहती हो। जो बातें मेरे पेरेंट्स को नहीं पता होती थी वो उसको पता होती थी। लाइक मैं सिंगर बनना चाहती थी और मेरे पेरेंट्स इसके लिए एग्री नहीं थे। तो मेरे को लगा, क्योंकि मैं जब रियलिटी शोज देखती थी तो मुझे लगता था कि ऐसे तो ये नहीं मानेंगे, मुझे भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी ये लोग मानेंगे जब मैं घर से बाहर निकलूंगी। तब मैंने पापा से बहुत प्रेशराइज करके बोला कि मुझे जॉब करनी है, 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ने वाली है। तो पापा ने बोला कि चलो ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं। तो मैं खान मार्केट बुक शॉप में जॉब करने लगी। एक्चुअली मैं जॉब करना मेन मकसद मेरा था ही नहीं। मेरा मेन मकसद ये था मैं किसी क्लास को ज्वाइन करूँ, सिंगिंग सीखूँ और आगे बढ़ूँ और मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद फिर उस सारी चीज़ों के बारे में उस लड़के को पता था। उस लड़के ने उस दिन फ़ोन करके मुझसे यही बोला कि तुम तो अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहती हो ना, आगे बढ़ना चाहती हो। मैंने बहुत प्यार से हाँ बोला। उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, कहता ठीक है। अगले ही दिन वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड बियर की बॉटल में एसिड लेके आए थे और ग्लास लेके आए थे। और मैं गोल्फिंग्स में रहती थी उस वक्त में, और आज जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, 2005 में मेट्रो स्टेशन नहीं था, उस टाइम पे बस स्टैंड था और ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी उस टाइम पे। और उस वक्त में ऐसा हुआ कि मैं आ रही थी तो वही जो लेडी उसके साथ थी वो लेडी भी मुझे देख रही थी। तो मैं एकदम उन लोगों को देख रही हूँ। तो मैंने कहा, लड़के तो देखते देखते हैं, यहाँ तो लड़की भी एकदम घूर घूर के देखने लगी है। फिर मैं आगे बढ़ी, मैंने फिर उन लोगों को देखा जहाँ से मैं क्रॉसिंग कर रही हूँ, उसके अगले साइड से वो लोग क्रॉस कर रहे थे। मैंने कहा कि रास्ता है, कोई बात नहीं, मतलब सब आएंगे जाएंगे, मुझे क्या लेना देना है। मैं जैसे ही आगे बढ़ी ही थी, देखा ही था, और जैसे ही आगे बढ़ी अचानक से जहाँ बस स्टैंड था उससे थोड़ी दूर पहले ही, अचानक से आगे उस लेडी ने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा, ग्लास में एसिड था और उसने मेरे फेस में वो एसिड डाल दिया। मैं तुरंत उस वक्त मैं बेहोश हो गई और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। और जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे ज़िंदा आग लगा दिया हो। मैं पैर हाथ पटक रही थी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। 3 बार कार एक्सीडेंट भी हुआ उसी टाइम पे मेरा, लेकिन किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो उस वक्त में एक अरुण सिंह अंकल, जो दूर से ये सारा हादसा उन्होंने देखा, वो आए। और आने के बाद उन्होंने 2 लीटर कोक की बॉटल थी, उसमें आधा पानी था, और लोग ना राउंड बना के देख रहे थे कि कब मरेगी, क्या होगा, जो कि लोग आज भी करते हैं। मदद नहीं करी किसी ने, कोई मदद नहीं। यहाँ तक कि जिन गाड़ी वालों ने भी मुझे टक्कर मारी
उन लोगों तक से मैंने हाथ जोड़ा और मैंने लोगों से इतना बोला कि मेरा फोन दे दो, मुझे मेरे पापा से बात करनी है। लोग तमाशा देख रहे थे, स्कूल से लोग आ रहे थे और ऑफिस का टाइम था, 10:45 का टाइम था मॉर्निंग का, बहुत ज्यादा क्राउड था जब तमाशा देखने के लिए लोग क्राउड मतलब बना सकते हैं राउंड वहां पे। उसके बाद फिर वो अरुण सिंह ने जो अंकल थे उन्होंने मेरी मदद की और उसके बाद वो जब पानी डाला तो वो यहाँ से दोनों तरफ से आया तो वो मेरे गले के पास वो पानी आ गया और वो यहाँ पे बर्न कर गया क्योंकि वो एसिड गंधक का एसिड था। और उसके बाद फिर उन्होंने PCR बुलाई तो पुलिस वाले मुझे जब लेके जा रहे थे हॉस्पिटल RML हॉस्पिटल तो मैं अपने आप को देख रही थी कि जैसे प्लास्टिक की पॉलीथीन को जलाया जाता है ऐसे ही मेरी स्किन मेल्ट हो रही थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा था और मेरे ऊपर से बहुत स्मेल आ रही थी और मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आंखें भी नहीं खुल रही थी, सर पे ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत भारी भारी पत्थर रख दिए हो और बहुत बड़ा मेरा फेस हो गया हो, बोझ मेरा फेस मुझे बोझ लग रहा था। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल पहुंच के मैं हॉस्पिटल बेहोश हो गई क्योंकि शायद जब मेरा जन्म हुआ था तभी मैंने हॉस्पिटल देखा था और उसके बाद हॉस्पिटल से निकली तो 15 साल के बाद, 15 साल की उम्र भी बहुत छोटी होती है, एक नया कदम रखते हैं आप अपने जीवन में, दोस्त बनाते हैं अपने सपनों को, टीनेज का टाइम होता है, बिल्कुल वो एक वो कदम जो शायद जो आज भी सब लोग बोलते हैं कि वो बच्चों का एक कदम होता है बाहर निकलने का, अपने सपनों को पूरा करने का, तो मेरा बचपन अब वहीं पे कहीं ना कहीं खत्म सा हो गया। और उस वक्त में जब मैं हॉस्पिटल गई और मेरे ऊपर 20 बाल्टी पानी डाला गया और मेरे पापा आए और मैं अपने पापा के गले लगी तो मेरे पापा की पूरी शर्ट जल गई उस टाइम पे। और उसके बाद 2 ऑपरेशन मेरे RML हॉस्पिटल में हुए, होशो आवाज में मेरी आंखों को सिला जाता था और मेरे लिए वो दर्दनाक मैं हादसा कभी नहीं भूल सकती, वो चीख कभी नहीं भूल सकती हूँ। उसके बाद जब मैंने 2.5 महीने के बाद मैंने डॉक्टर को बोला अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है, तो जब मैं वहाँ से निकली और निकलने के बाद मैं अपने घर पहुँची तो घर में मैंने देखा कि मेरे घर से शीशे फ्रेम सब कुछ हटा दिए गए थे, तो मुझे लगा शायद मेरे वेलकम के लिए घर को नया किया गया होगा। मैं कोशिश करती थी पानी के टप में अपने चेहरे को देखने के लिए तो मुझे नहीं देखने दिया जाता था, शीशे नहीं थे घर पे तो बहुत कोशिश किया कि मैं अपना चेहरा देख लूँ। मेरे नोज़ में एक्चुअली एक दाग था जो जैसे चांद पे दाग होता है वैसे ही, तो मैं बहुत फिल्मी टाइप की लड़की थी, मैं बहुत फिल्मी दुनिया जीती थी, तो उस टाइम पे एक मूवी आई थी खून भरी मांग, तो उस मूवी में आपने देखा कि वो सर्जरी हो जाती है और बहुत खूबसूरत चेहरा मिल जाता है, तो उस वक्त में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा चेहरा 2 ऑपरेशन के बाद बहुत खूबसूरत हो गया होगा और मेरा नोज़ में जो निशान है वो भी हट गया होगा। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश के बाद अपना चेहरा आखिर में देख ही लिया और मैं अपना चेहरा देख के खुद डर गई, इतना डरावना चेहरा था जो कि शायद मैंने कभी नहीं सोचा था। और मेरे मन में एक ही सवाल था कि मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा था उस इंसान का, सिर्फ ना ही तो कहा था, उसने मेरे ऊपर एसिड डाल दिया। उस वक्त में मैंने फिर डिसीज़न लिया, मैं शीशे में ही देख के अपने आप से बात करती थी और करती भी हूँ आज भी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको शीशे से भी बहुत हिम्मत मिलती है, तो उस वक्त में मैं अपने आप को देख के मैंने कोशिश किया कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। तो उसी वक्त 2 मिनट के बाद मेरे दिमाग में आया कि नहीं लक्ष्मी, यही गलती तुमने पहले की थी और यही गलती तुम अभी करोगी। गलती ये थी कि उस वक्त में मैंने अपने पेरेंट्स से बात नहीं किया था, मैंने अपने पेरेंट्स को गलत समझ लिया था और आखिर में वो पेरेंट्स ही मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो उस वक्त में ये लगा कि लक्ष्मी तुम तो मर जाओगी, 2 मिनट में मर जाओगी। बहुत सारे सवाल और बहुत सारे सवाल भी और बहुत सारे आंसर भी यहाँ से लेके चली जाओगी। और उस माँ का क्या जो 2.5 महीने नहाई नहीं, उस पिता का क्या जो 2.5 महीने सोए नहीं, जिन्होंने मुझे बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया, कहीं ना कहीं एक मुझे नया जन्म दिया गया। मैं उस टाइम पे एक 1.5 साल की बच्ची बन गई, मेरा दिमाग 1.5 साल वाला हो गया, मुझे खुद नहीं समझ में आता था, मैं खाना उठा के प्लेटें पटक देती थी, मैं बहुत अजीब अजीब चीज़ें करती थी क्योंकि वो सिर्फ मेरे शरीर पे ही नहीं, उसने अटैक मेरे दिमाग में भी किया था और बहुत सारे सवालों के साथ। तब मैंने ज़रूरी समझा अपने पेरेंट्स से बात करना उस टाइम पे। मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया तो मैंने अपने पापा और मम्मी को एक बात कही, मैंने कहा मुझे मार दो, मेरे लिए तो कहना आसान था ना, क्योंकि जब मैं घर आई तो वही सोसाइटी के लोग आते हैं और पापा और मम्मी को कहते हैं इसको इंजेक्शन लगवा दो।
लड़की जात है, शादी कैसे होगी, अगर तुम दोनों को कुछ हो गया तो इसके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, ऐसे ऐसे करके लोग बोला करते थे पेरेंट्स वही को। लड़की जात है लड़की को, फिर से लड़की मैं मतलब लड़की आगे शादी कैसे होगी, हाँ, काम कैसे करेगी, काम कैसे करेगी, खाएगी कैसे, बिल्कुल, अपना घर कैसे चलाएगी, इससे तो कोई शादी ही नहीं करेगा क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ गया है, और इसको मरवा दो आप, मारना ही था तो जान से मार देता, चेहरे पे ही क्यों अटैक किया, बॉडी के किसी और पार्ट में कर देता, चाकू मार देता, गोली मार देता, बॉडी के किसी और पार्ट में अटैक कर देता, कम से कम शादी तो हो जाती इस चेहरे की वजह से, ये सारी चीजें तो बेचारी है। एक्चुअल में बेचारी मैं नहीं, बेचारे वो लोग थे जब वो ये सारी बातें कहते थे, और उस टाइम भी मैं फाइट करती थी इस चीज के लिए कि मैं बेचारी नहीं हूँ, जिसने मेरे ऊपर अटैक किया वो बेचारा है, आखिर में वो उस जेल में सड़ रहा है, मैं फिर भी अपनी जिंदगी खुल के जी पा रही हूँ, फिर भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, उसके साथ तो कोई नहीं है। तब जब उसके बाद मैंने पेरेंट्स से बात किया, मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया और मेरे पापा ने मुझसे कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है, एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा और तुम बहुत आगे जाओगी। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, आज मुझे लोग पूछते हैं कि लक्ष्मी आपको कहाँ से हिम्मत मिलती है, कि क्या होता है ऐसा, आपको मोटिवेट होने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर के अंदर खुद मोटिवेट करने वाले लोग बैठे हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, हमें अपने परिवार से एक बार उनकी जर्नी, अपने मम्मी पापा की जर्नी, अपने दादा दादी नाना नानी की एक बार जर्नी तो पूछिए उनसे कि आपने इतना क्या किया अपनी लाइफ में और इतना फाइट करके हमें इतना आगे बढ़ाया, क्या थी आपकी लाइफ, जब वो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल लाइफ क्या है, मैं आपको क्या शिक्षा दे सकती हूँ इसके लिए, मैं तो वही चीज़ बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ है और किस चीज़ से, आखिर में मैं अपने पेरेंट्स की वजह से बाहर आई हूँ, आखिर में उन्होंने ही, मेरे पेरेंट्स, मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट और मेरी शिरीन आंटी, मेरे पापा की बॉस, अगर वो लोग इस दुनिया में नहीं होते तो मैं इस दुनिया में नहीं होती, वो चार लोग पूरी दुनिया के बराबर थे मेरे लिए, मेरी लॉयर ने मेरा केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ा है, मेरी शिरीन आंटी ने मेरा ट्रीटमेंट अपोलो में कराया है जो कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो मेरा लक था, और मेरे लिए सबसे अच्छी लक की बात ये थी कि मेरे 7 surgeries हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 surgery, मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ सिर्फ क्योंकि 7 surgeries भी सबके लिए बहुत बड़ा होता है, पर मेरे लिए सिर्फ इसलिए है क्योंकि एसिड अटैक के बाद एक एक लड़की को 70-70-80-80 ऑपरेशंस झेलने पड़ते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि एक नेचर की दी हुई चीज़ और अचानक से कोई तेजाब डाल दे उस पर और उसका पूरा चेहरा मेल्ट हो जाता है और उसके बाद इसको दोबारा आकार देना पड़ता है, एक ढांचे को तैयार करना होता है, और आँखें नाक वो एक बार में नहीं 10-10 operations के बाद खड़ा होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और अटैक सिर्फ एक ही पर्सन पे नहीं उसके पूरे परिवार पे होता है। इस अटैक के बाद मैंने बहुत कुछ झेला, उस इंसान ने मेरे पे एक बार अटैक किया लेकिन सोसाइटी ने हर दिन हर रोज़ अटैक किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा था पर मैं विक्टिम नहीं बन रही थी क्योंकि मुझे विक्टिम बनना ही नहीं था, मैं बाहर आ रही थी खुद से, मैं उस शीशे को देख के खुद से प्यार करने लगी थी, मेरा जब भी ऑपरेशन होता था मेरे बालों को काट दिया जाता था, मैं गंजी हो जाती थी और उसके बाद नए बालों के आने का इंतज़ार, पर मैं बहुत खुशनसीब मानती हूँ अपने आप को कि मेरे डॉक्टर कुलदीप सिंह जो कि मतलब मेरी वो दूसरी माँ है एक तरीके से, उन्होंने मुझे एक नया चेहरा दिया है तो मुझे खुशी होती है। मेरा ये चेहरा अगर आज आप देख रहे हैं, 2009 में 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा गया था मुझे, बहुत प्लान करके ये सर्जरी हुई थी, मेरे चेहरे से स्किन निकाल के 2 दिन तक मुझे आईसीयू में रखा, खून सुखाया गया और उसके बाद फिर बैक से स्किन निकाल के मेरे फेस पे लगाया गया और फिर पैरों से स्किन निकाल के बैक पे लगाया गया। आप तो ये ऊपरी चीज़ देख रहे हैं कि ये फेस में अटैक हुआ है, हाथ में अटैक हुआ है, ये चीज़ें दिख रही है, लेकिन जो मेरे अंदर के पार्ट्स हैं जो कि जिसमें सर्दी और गर्मी दोनों में ही मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुख भी होता है उन सारी चीज़ों को देख के। अगर आप मेरे वो पार्ट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एसिड अटैक तो इस साइड पे भी हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ों को झेलते हुए आपको आगे बढ़ना होता है।
मैं आपको बस यही बोलना चाहूंगी कि आप आज भी उतनी खूबसूरत है. बिल्कुल, मैं हूं खूबसूरत. हम सब बिल्कुल खूबसूरत है और हम में, हम आपकी जो स्टोरी है, जो आपके हिम्मत है, वो हम सब के लिए एक प्रेरणा है.